अस्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को आह्वान किया है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाएं। और एक बहुत बड़ी और सराहनीय पहल है कि अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 14 घंटे की कर्फ्यू कहा है, वास्तव में 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख से लोग अपने अपने घरों में हो जाएंगे और फिर 22 तारीख को पूरा दिन वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इससे कोई भी वायरस हो अपने आप नष्ट हो जाएगा। मतलब इस 125 करोड़ देश में जो वायरस इस तरह से पनप रहा था, जो रास्तों में टहल रहा था, वो जब नष्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस बीमारी पर काबू पाया जाता, इस संक्रमण में काबू पाया जा सकता है और हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षा के साथ साथ यह संक्रमण से भी बचाने की एक बड़ी पहल है। और आप लोग भी इस पहल की भागीदारी करिएगा। उसकी से बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अगर आपकी भागीदारी नहीं होती है तो यह हमारा देश पूरी तरह से देश का अस्तित्व खतरे में। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, एक दिन भारत बंद होने से कितनी हजार करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन अगर इस बंदी की पहल अगर आप करते हैं तो इस संक्रमण से हम बच सकते हैं। अगर इस बंदी की पहल आप नहीं करते हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं, यह संक्रमण आपके द्वारा धीरे धीरे फैलने के बाद अगर समूचे भारत को चपेट में ले लेगा तो मेरा देश बर्बाद हो सकता है। माने आपकी भागीदारी इस देश को बचा सकती है, क्योंकि आप और हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी पहल इस 125 करोड़ देश की पहल होगी। और सब व्यक्ति अगर ये सोचता है घर से बाहर ना निकले तो ये बीमारी अपने आप जिस जिन स्थानों पर वहां स्वतः नष्ट हो जाएंगी और आप बिना युद्ध लड़े इस कोरोना के संक्रमण को हरा सकते हैं बस एक छोटी सी पहल को। अगर यह पहल आप नहीं करते, सोचिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारे देश के किसानों का क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी का क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमिक्स क्या होगा, पूरी तरह से ध्वस्त हो जा सकती है, पूरी तरह से खत्म हो सकती है। लेकिन आपकी यह सराहनीय पहल इस देश को एक नई पहचान दे सकती है। शायद आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर 125 करोड़ देश की जनता इस जनता कर्फ्यू को तहे दिल से स्वीकार करके और इसका पालन करने के लिए तैयार है, यह पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस लोकतंत्र के इतिहास में जन्म लिया अमेरिका में, लेकिन आज उसकी पहचान कराने के लिए पूरी दुनिया में हमारा देश पुनः अग्रणी हुआ और पुनः आगे आया। आपने देखा हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की संस्कृति नमस्ते आज पूरे दुनिया ने अपनाया। तो कहने न कहने में आज भी भारत सोने की चिड़िया थी, बेशक उसके पंख क्यों ना उजड़ जाए, लेकिन सोने की चिड़िया कहीं तो सोने की चिड़िया ही जाएगी। क्या अगर हाथी के पांव टूट जाए तो क्या हाथी को किसी और चीज से नाम से नहीं, उसे तो हाथी ही बुलाएंगे ना। उसी तरह हमारे देश की सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया है। आपको जानकर भी पता होगा अगर इस संक्रमण किसी भी माध्यम से अगर हमारे आप तक आता है तो हमारे समाज को एक चैन की भांति धीरे धीरे अपने घर में लेता जाएगा और कहीं ना कहीं ये पूरे भारत को ले डूबेगा। इसके लिए आपकी पहल, आपकी भागीदारी इस देश की भागीदारी होगी और आपकी भागीदारी ये 125 करोड़ देशवासियों को कोरोना से जीतने का सबसे बड़ा एक जश्न जैसा होगा। हम लोग घर पर बैठकर यह जश्न मनाते हैं कि हमारी छोटी सी पहल से हमारा देश कोरोना जैसे इस संक्रमण बीमारी को खत्म करने के कगार पे आ गया। हमें आपको तो भी लग रहा है, अभी भी शायद हमें और आपको भी लग रहा है कि चीन अभी इससे शायद बाहर आ गया, लेकिन ऐसा उनके आंकड़े आ रहे होंगे, मुश्किल है। ऐसा वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए वो प्राय हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे देश में ऐसी बीमारियां नहीं है, तो वो इस अफवाह का खंडन करते हैं, दूर भगाते हैं। तो हम भी अपने उस सराहनीय कदम पे, अपने मुखिया के कदम पे हमें भी आगे चलना चाहिए और हमें भी यह कहना चाहिए कि 24 घंटे के कहने के लिए 14 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में यह 24 घंटे जैसा जनता कर्फ्यू है जिससे यह वायरस जहां जहां है अपने आप नष्ट होता जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ भी लक्षण दिखता है आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिएगा, आपके पास स्वयं जाएगी। माने हमारे देश में हमारे यहां डॉक्टर आज पूरे देश में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और हमारे देश के नागरिकों के हित के लिए सब पर और तैयार हैं। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे देश के आर्मी जो आज भी हमारे लिए तत्पर तैयार और खड़ी है, आर्मी, पुलिस, डॉक्टरेट, प्रशासनिक अधिकारी, ये आज भी यह दर्शा रहे हैं कि भारतीयों के हित के लिए, जनता के हित के लिए किस प्रकार प्रतिबद्ध है। तो हम अपने इस इलेनी में दुर्गेश की टीम की तरफ से मैं अपने सरकार, आर्मी, पुलिस, डॉक्टरेट को शायद धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल सराहनीय है। अगर इस पहल में प्रत्येक भारतीय का एक छोटी सी भागीदारी हो जाएगा तो हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनने के कगार पे हो जाएगा और हम और आप इस
तरह से कोरोना जैसे महान संक्रमण को हरा देंगे उसने कभी सपने भी ना सोचा होगा, क्योंकि यह देवों की धरती है और यह वीरों की धरती है, यह योद्धाओं की धरती है। आज ये सोने की चिड़िया थी, इस सोने की चिड़िया को आपके हाथों में इसकी लज्जा इसकी जान है। आपकी छोटी सी पहल से हमारे देश की डूबती अर्थव्यवस्था को किनारा लाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम ये पहल नहीं करेंगे आने वाले में स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी, हमारे देश के किसान अमीर गरीब सब व्यक्ति संक्रमित हो जाएंगे तो मेरे देश का क्या होगा। उसके लिए यह पहल आपकी सराहनीय होगी और हम ये चाहते हैं आप ये पहल स्वयं करें, अपने सभी साथियों अपने सभी सहपाठियों अपने सभी नागरिकों को साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत करें। स्वयं घर पर बैठे आराम करें, पढ़ते रहिए और जागरूकता लाते रहिए। किसी भी फेक मैसेज की जब तक पुष्टि ना हो जाए उसे वायरल ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रश्न चिन्ह लगा सकता। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और कहने की बात एक छोटी सी बात मेरे मन में है, मैं वो कहना चाहता हूं। मेरी ये विचार है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में हथियार के लिए कुछ देश ही ऐसे हैं, जैसे आप देखते हैं भारत पाकिस्तान चीन से युद्ध होता है तो हम हथियार के लिए किन देश के पास जाते हैं। कभी कभी मेरे मन में आपके मन में भी आता होगा कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें हैं जो हम दो लोगों को लड़ाती हैं ताकि उनके हथियार बिक सके। उसी तरह आज ये वायरस कोरोना का कहर आ रहा है, अभी कोई इनकी एंटीडोज इनकी वैक्सीन बनेगी वो भी पूरी दुनिया में बेची जाएगी। कहीं ना कहीं इसमें भी सोचकर भी बड़ा आश्चर्य होता है, क्या कहीं हमारे देश को इस तरह से हमारे देश को या पूरी दुनिया को खरीदने का उनके साथ व्यापार करने का कुचक्र तो नहीं रचा जा रहा। लेकिन फिलहाल आपकी छोटी सी भागीदारी इसको इस कुचक्र से भी बाहर निकालकर और हम परास्त कर सकते हैं। बस आपकी ये भागीदारी करना है। जनता कर्फ्यू में आपको अपना सहमति सहभागिता और सभी को जागरूक करना है। या इंद्रनी दुर्गेश की तरफ से मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मैं चाहूंगा कि आप भी इसकी भागीदारी करें और यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन होगा कि जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश के मुखिया के एक बार एक आह्वान पे पूरे देश की 125 करोड़ जनता अगर उनकी पहल करती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि आज चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति किसी भी मजहब का हो, आज हम आप भारतीय हैं, आई एम इंडियन, इस बात का हमें गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए। क्योंकि आज हम अपने देश के तब कर्जदार हो जाते हैं जब हमारे देश के नागरिक किसी अन्य देश में होते हैं और हमारे देश से गुहार लगाते हैं और हमारा देश ससम्मान उन्हें अपने देश में लाता है, तब हमारा सीना हमारा देश का और आपका और गौरवान्वित और चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब न हम जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, तो बस हमें एक दिखता है वही राष्ट्र ध्वज तिरंगा कि जिसके नीचे हम कहते हैं आई एम इंडियन, हम भारतीय, तब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आपके देश के हैं, इस देश में फंसे हैं, क्या हमें बाहर नहीं निकाला जाएगा और हमारे देश की पहल होती है पुनः हमारे देश में लाई जाती है। इसलिए आज भी हम अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण थे और यह उदाहरण जब कोरोना को परास्त करेगी तो एक बड़ा इतिहास बनेगा। जय हिंद जय भारत। इस पहल की भागीदारी करिएगा, लोगों को जागरूक करिएगा, अफवाहों से दूर रहिएगा। आपकी भागीदारी जन भागीदारी इस देश की डूबती अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस सोने की चिड़िया में पुनः रंगत लाई जा सकती है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।